Good afternoon everybody. Today we'll continue with the same chapter Up in the Sky part 3 The Moon The moon is round like the sun. It is the closest neighbor of the earth. Seen from the earth, both the sun and the moon appears to be the same size. However, the moon is much smaller than the sun. It looks big because it is much closer to the earth than the sun and the moon's surface has many big holes called crater, let us understand this. They said the moon is round like the sun whenever we see in the sky sun is also the same pattern, and moon is also we used to see the same pattern sun or moon dono hi same pattern same shape ke dete that is what they said. It looks like the same. It is closest neighbor to the earth. Moon is the closest neighbor to the earth. Moon jo hai wo earth se sabse paas mein hai. Seen from the earth, both the sun and the moon appear to be the same size. Now this we need to understand. Actually, they appear in the same size. Suppose this is our earth. This is sun and this is moon. What they said? मून इज नियरेस्ट नेबर क्लोजेस्ट नेबर टू दर्थ क्यों अर्थ से मून जो है वो पास में है एन एन अदर थिंग वॉट दे सेट मून इज स्मॉलर इन साइज इंसान इज बिगर इन साइज बट देन टू जब भी हम देखते हैं वी सी दैट मून इंसान अपियर इन द सेम साइज द रीजन इज अर्थ से मून का डिस्टेंस इज लेस दिस डिस्टेंस इज लेस एंड सन का डिस्टेंस अर्थ से इज टू फार यहां पर बहुत दूरी है और यहां पर डिस्टेंस जो है वो कम है डेट इज वाई बोथ ऑफ दॉरी द मून अपियस द सेम साइज नाउ लेट इज कंटिन्यू विद हाउ एवर द मून इज मच स्मॉलर देन द स बट यदि हम देखें तो मून इज मच स्मॉलर देन द सन द सेम डाइग्राम आई कम बैक टू द सेम sun is bigger and moon is smaller but because of the distance from the earth that is why it appears the same size it looks big because it is much closer to the earth than the sun and the moon's surface has many big holes called crater same way earth also has big holes or uh, uh, different landforms earth may be a landform कहीं पे होल है कहीं पे गड्ढे हैं ऐसा कुछ कुछ है द सेम वे मून सरफेस मून की सरफेस पे भी ये सब है एंड दोज बिग होल्स ऑन द मून सरफेस जो बिग होल्स मून की सरफेस पर हैं उन बिग होल्स को क्या कहते हैं दे आर नोन एज क्रेटर्स द मून मून मूव्स अराउंड द अर्थ इट इज द अर्थ नेचुरल सेटेलाइट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज नेचुरल सेटेलाइट जस्ट इज प्लैनेट मूव अराउंड द सन दाइट मूव अराउंड प्लान सेम वे मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सेटेलाइट है अब सैटेलाइट होता क्या है यस्टडे वी इन द लास्ट चैप्टर आई थिंक पार्ट वन वी सॉ दैट दिस इज द सन एंड रिमेनिंग एट प्लान आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन तो सेम वे अर्थ के चारों तरफ जो है मून रिवॉल्व करता है मून अराउंड अर्थ अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है इन दिस यू कैन सी हियर इट इज द सन दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द मून मून इज

सैटेलाइट तो अर्थ के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है मून तो मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ अर्थ का सैटेलाइट क्या है मून द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट ओनली द पार्ट ऑफ द मून विच रिसीव सनलाइट कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ in 1969 neil armstrong and edwin aldrin became the first people uh, to land on the moon there is no air on the moon and no one can live there now let us understand this the moon does not have its own light what happens suppose this is our earth this is the half far part this is the sun this is moon अर्थ द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज फेसिंग सन इज रिसीविंग सन लाइट डायरेक्टली वो पार्ट अर्थ का जो सन के तरफ फेस कर रखा है फेस है वो डायरेक्टली सन की लाइट रिसीव करता है मतलब वहां पे क्या होगा इस हाफ ऑफ द पार्ट में डे होगा दिन होगा एंड लेट्स टॉक अबाउट द मून रिमेनिंग पार्ट में क्या होगा नाइट होगा मून रिसीव द लाइट फ्रॉम द सन मून जो है सन से लाइट रिसीव करता है एंड वॉट द सेम लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द मून ऑन द अदर पार्ट ऑफ द अर्थ अर्थ का वो पार्ट जो सन की तरफ फेस नहीं है जिसका उस तरफ रिफ्लेक्टेड सनलाइट आती है मून की एंड दैट इज वाई इट अपियर्स ब्राइट इसी कारण ये हमें चमकीला दिखाई देता है अदरवाइज मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट इसकी कोई खुद की लाइट नहीं होती इट रिसीव लाइट फ्रॉम द सन And reflect the same light received from the, received by the sun and reflected it to the earth.